अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास ये KS मॉडल आया है जो इनपुट पे वोल्टेज 11-12 वोल्टेज शो कर रहा है और ये मेन वोल्टेज शो कर रहा है AC इनपुट। ये आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज AC इनपुट कोई वापडा लगी हुई नहीं है। और दूसरा इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसे वापडा लगाएंगे तो वापडा लगाने के बाद ये वापडा के वोल्टेज भी जो है ना 130-135 या 110-115 वोल्टेज शो करेगा। वापडा लगा के हम आपको चेक करवाते हैं। वैसे हमने इस यूनिट को ओपन कर लिया है और ओपन ये बिल्कुल देख सकते हैं, हमने इसे ओपन रखा हुआ है। ये KS मॉडल है, और इसे अब हम ये मैंने वापडा लगाई है इस पर और ये वापडा आ गई है। लेकिन इसके वापडा के वोल्टेज जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि इसके वापडा वोल्टेज 124-25, 126-26, 130-31 ये इनपुट शो कर रहा है। वापडा ठीक है, लेकिन ये है कि ये सिस्टम जो है ना इसका, ये काम नहीं कर रहा सही तरीके से, क्योंकि इसका एक ये देख सकते हैं कि ये AVR फटा हुआ था। ये बिजली ज़्यादा आने की वजह से ये काम हुआ है, इसका AVR एक फटा हुआ था। और दूसरा ये है कि इसका ज़्यादातर जो इशू है ना, ये IC लगे हुए हैं, TL074 और ये तीनों IC लगे हुए, इनमें से कोई एक IC ख़राब होता है। और जो भी ख़राब होता है हम उसे अब चेक करते हैं कि कौन सा IC ख़राब होता है। वैसे इससे कि हम वापडा उतार के चेक कर लेते हैं कि मेन शो जो कर रहा है कौन सा IC शो कर रहा है। ये मेन इसकी ज़ीरो हो गई, ये पहले वाला IC, ये देख सकते हैं आप, ये 130-32 हो गया। ये देखें, ये ज़ीरो हो गया इसका जो है ना, ये पहले वाला IC जो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ IC, ये इसे हम करते हैं सिग्नल देते हैं अपनी उंगली का, तो ये देखें इसकी वोल्टेज अप डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये वोल्टेज अप डाउन करने शुरू कर देता है। बाकी ये है कि जी दोस्तों, हमें इसका ये वाला जो IC है TL074 ये लगा हुआ IC, इसे हम जो है अब ओपन करते हैं कागज़ की मदद से। ये आपको दिखाते हैं, ये IC ओपन करते हैं। इस IC से शायद आप इसका, ये IC हम ओपन करते हैं जी। इसको चारों तरफ से सोल्डर लगा के बंद तरह
आपने ट्रक लगाया है इनमें से दो तीन दिन भी नहीं चले, चौथे दिन के लिए चल गए हैं। आईसीए हमने इसका ओपन कर दिया है TL074, और इसकी जगह हम आईसी नया लगाते हैं। इसके प्लेट साफ करके इसका आईसी हम नया लगाते हैं जी। ये वाला आईसी है TL074। ये आईसी आ गया जी, इसको हम अब सोल्ड करते हैं। इसका आईसी हमने दिया लगा TL074, और इसे अब हम डिस्प्ले लगाते हैं। ये आ गया डिस्प्ले इसका, और ये हम चौबीस वोल्ट से देते हैं और इसे ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा यूनिट ओके हुआ है या नहीं हुआ अभी। ये 228 वोल्टेज आ गए जी, और इस साइड पे बिल्कुल 0 0 0 है। ये 228 वोल्टेज आ गए, और इस साइड पे पूरे 228 वोल्टेज, और ये 0 0 वोल्टेज शो हो रहे हैं। इसमें एक इधर रख लेते हैं, और इसे अब हम मेन लगाते हैं, वाबडा लगाते हैं कि वाबडा पे क्या कर रहा है ये जी। अब हम इसे ये वाबडा लगाते हैं, और ये देखें ये वाबडा आ गई 228, ठीक है, और हमारा यूनिट हो गया जी बिल्कुल ओके। वाबडा बिल्कुल इनपुट 226 था, ये 28 ये हमने सीरीज लगाया हुआ था। इसे अब हम डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं जी। ये देखें ये हो गया जी, हमारा यूनिट बिल्कुल ओके हो गया जी, चार्जिंग भी कर रहा है, और 226 वोल्टेज आ गए। अब इसे ऑफ करते हैं, क्या करता है ये हमने ऑफ किया, ये देखें खाली चार्जिंग भी हो गया, और ये ऑन किया, और बाईपास पे साथ ही ये चार्जिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ये देखें बिल्कुल हमारा यूनिट ओके हो गया जी। ये KS मॉडल है, और ये है नैरो का यूनिट है। ये देखें नैरो का यूनिट है, ये नैरो कंपनी क्राउन की है, ये नैरो कंपनी। और इसका ये वाला आईसी जो ख़राब था हमने चेंज किया है, ये वाला आईसी हमने चेंज कर दिया, और बाकी जो वो भी हमने वैसे चेक किए, लेकिन ये इसका यही आईसी ख़राब था।